বিজেপিয়ে আদানিক সহায় করব, কংগ্রেস শাসনলৈ আহিলে গরিব যুবক মহিলাক সহায় করব। কর্ণাটকের বিশাল জনসভাত রাহুল গান্ধীয়ে বজালে রণশিঙা, 40% কমিশনত চলে বিজেপির সরকার, আদানিক দুর্নীতির প্রতীক আখ্যা রাহুল গান্ধীর। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মই সদনত প্রশ্ন করলে মোর মাইক বন্ধ করে, আদানি আর মোদীর সম্পর্ক কি প্রশ্ন করার বাবেই মোক নিলম্বন করলে। মোদী উপাধিক লৈ যত মন্তব্য করে সাংসদ পদ হেরুয়াইছিল, সেই কর্ণাটকতে রাহুল গান্ধীয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বজালে রণভেরি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর উদ্যোগপতি গৌতম আদানির সম্পর্ক কি এই প্রশ্ন করলে কংগ্রেস নেতাগিয়ে। রাহুল গান্ধীর প্রশ্ন, গৌতম আদানির ভুয়া কোম্পানীত কোনে বিনিয়োগ করলে 20,000 কোটি টাকা? আদানির শেল কোম্পানির সঞ্চালক এগারী চীনা নাগরিক। প্রধানমন্ত্রী মেসেজ দেওয়া চাহিয়ে কি হাজারো করোড় রুপে অদানি জি জেসি কম্পনিও কো দে সকতে হো তো হাম গরিবো কো মহিলাও কো যুবাও কো পয়সা দে সকতে হ্যায়। আপনে দিল ভর কে অদানি জি জেসে লোগো কি মদদ কি, হাম দিল ভর কে কর্ণাটক কে গরিবো কি মদদ করেঙ্গে, যুবাও কি মদদ করেঙ্গে, মহিলাও কি যুবাও কি মদদ করেঙ্গে। আপ আপনা কাম করো, হাম আপনা কাম করেঙ্গে। কর্ণাটক মে বিজেপি নে কিয়া কাম কিয়া, क्या काम किया मैं आपसे पूछ रहा हूं। 40% कमीशन खाया करवाने के लिए बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के युवाओं, कर्नाटक के महिलाओं से पैसा चोरी किया। जो भी इन्होंने किया 40% कमीशन इन्होंने लिया। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि कर्नाटका में 40% कमीशन लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज तक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। चिट्ठी का जवाब ना देने का मतलब कि प्रधानमंत्री ने यह बात मान ली कि 40% कमीशन कर्नाटका में लिया जाता है। स्कैम्स की लिस्ट है, स्कूल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी, पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम हुआ, 80 लाख रिश्वत ली गई, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, इंजीनियर जॉब स्कैम, ये सब आपने सहा है। और जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में रखी, जब मैंने अदानी जी के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, पहले मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। मैंने क्या पूछा, प्रधानमंत्री जी आपका अदानी जी से क्या रिश्ता है? ने पार्लियामेंट में एक फोटो दिखाई, पार्लियामेंट जिसमें नरेंद्र मोदी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिखते हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे वो अपने घर में बैठे हैं। मैंने पूछा क्या रिश्ता है, फिर मैंने सवाल पूछा कि हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं और एयरपोर्ट देने से पहले सरकार नियम बदलती है, नियम क्यों बदला, किसने बदला? नियम था कि एयरपोर्ट चलाने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट चलाने में। मुंबई एयरपोर्ट उनके हवाले कर दिया गया, जिसका एयरपोर्ट था उस पर सीबीआई ईडी के केसेस लगा दिए और उससे एयरपोर्ट छिनवा दिया और अदानी जी के हवाले कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के नेता के साथ बैठे हैं, उसी मेज पे अदानी जी बैठे हैं, उसी मेज पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सीनियर मेंबर बैठे हैं और उसी के एकदम बाद स्टेट बैंक अदानी जी को हजारों करोड़ रुपए का बैंक लोन दे देता है। मैंने पूछा किसने करवाया। श्रीलंका में पोर्ट अथॉरिटी का एक चेयरमैन कहता है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उसे बताया कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अदानी जी की मदद करनी है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, उसके एकदम बाद अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, अदानी जी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, पोर्ट मिल जाता है। यह सवाल मैंने पूछे, मैंने पार्लियामेंट में पूछा, अदानी जी की शेल कंपनी है बेनामी, ये किसकी है?
जिसमें 20,000 करोड़ रुपए किसका है, यह सवाल मैंने पूछा। उसके बाद पहली बार इतिहास में सरकार ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। आमतौर से ऑपोजिशन पार्लियामेंट को रोकती है, पहली बार इतिहास में बीजेपी की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने पार्लियामेंट को रोका। उसके बाद बीजेपी के मंत्रियों ने पार्लियामेंट में मेरे बारे में झूठ बोला। कर्नाटक गरम से निर्वाचन बता শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি সরকারক উফরাই কংগ্রেস সরকার গঠন করবলৈ ককালত টঙালি বান্ধিছে গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টিয়ে। কংগ্রেসের যুদ্ধং দেহি নির্বাচনী প্রচারে অস্বস্তিত পেলাইছে শাসকীয় বিজেপিক। ইপিনে গেরুয়া শিবিরক বিচ্ছেদ দি কংগ্রেসের হাত খামুচিলে কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কর্ণাটকের বিজেপির জ্যেষ্ঠ তথা লিঙ্গায়ত সমাজের প্রভাবশালী এগারী নেতা জগদীশ চেট্টারে। কর্ণাটকত কংগ্রেসের সরকার আহিব, 150ৰ অধিক আসনত জয়ী হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছ, অন্যথা 40% কমিশনৰ টকাৰে চৰকাৰ ভাঙিব বিজেপিয়ে। 40% কমিশনৰ বিজেপি চৰকাৰে নাপায় 40খনো আসন। নিৰ্বাচনী সভাত এইদৰে গৰজি উঠিল নিলম্বিত সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰিলে জাতিগত জনগণনাৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰ্ণাটকৰ ৰাইজক দিলে 4টা প্ৰতিশ্ৰুতি। গৃহলক্ষ্মী আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতি পৰিয়ালৰ মহিলাক মাহিলী 2,000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান। গৃহজ্যোতি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিমাহে বিজুলী। অন্নভাগ্য আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিমাহে প্ৰতি পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যৰ বাবে 10 কিলো চাউল। আৰু যুৱনিধি আঁচনিৰ অধীনত দুবছৰৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ প্ৰতিজন স্নাতক উত্তীৰ্ণক মাহে 3,000 টকা আৰু ডিপ্লমা থকাসকলক 1,500 টকা। সিধি বাত কৰনা চাহতা হুঁ, সৱাল ইয়ে হে কি জব ইয়াহাঁ কুছ হি দিনো মে कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए क्या करेगी। हिमाचल में चुनाव हुआ, पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ और मुझसे जो हिमाचल प्रदेश के नेता, छत्तीसगढ़ के नेता, इन्होंने मुझसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए और मैंने उनसे कहा कि देखिए आप 2-3 वायदे जनता से कीजिए और जिस दिन आपकी सरकार बने पहली कैबिनेट मीटिंग में उन वायदों को आप पूरा करके दिखाइए। वायदों में 6 महीने, 1 साल 2 साल नहीं लगने चाहिए, जो बड़े वायदे हैं उनको पहले ही दिन सरकार को पूरा कर देना चाहिए और यही मैं कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं। हमने कर्नाटक की जनता से 4 वायदे किए हैं, गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को, गृह लक्ष्मी 2,000 रुपए हर महीने महिलाओं को, अन्नभाग्य 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को हर महीने, और सबसे जरूरी युवा निधि 3,000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए, और 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और इन वायदों को पूरा करने में 6 महीने, 1 साल 2 साल नहीं लगने चाहिए, ये वायदा पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे हो जाने चाहिए। और कांग्रेस राहुल गांधी ए 4টা প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ প্ৰথম কেবিনেটত কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাষণে কিমান প্ৰভাৱিত কৰিব কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতি এতিয়া সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়।